अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumaiya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School from Standard 3rd, will going to teach you today's subject Maths. Our today's topic is chapter number 1, Where to Look From. Okay, so let's start our studies. चैप्टर नंबर 1, वेयर टू लुक फ्रॉम, ये वर्कशीट है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो ये आप लोगों को समझना है और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके, जैसे कि यहाँ देखो दिखाया है, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर शोन बिलो। ड्रॉ द मिसिंग व्यू इन एम्प्टी स्पेस। फ्रंट व्यू यानी आगे से देखने पर कैसा लगता है, साइड व्यू यानी साइड पर से देखने में कैसा लगता है, और टॉप व्यू यानी ऊपर से देखने पर कैसा लगता है, वो यहाँ हमको देखना है। जैसे कुछ व्यूज़ दिखाए हैं और कुछ व्यूज़ पूछे गए हैं, तो हमको वो एम्प्टी स्पेस में भरना है। ओके, जैसे फर्स्ट देखो कैप है, तो फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो इस तरह की दिखेगी, साइड व्यू इस तरह से होगा और टॉप व्यू इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हमको दिखाया है बुक है। ओके, तो बुक हमको फ्रंट व्यू पूछा गया है, साइड व्यू से ऐसे दिखेगी और टॉप व्यू से ऐसे दिखेगी। जब हम फ्रंट से देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगी। दिख रहा है आप लोगों को? सिर्फ साइड के ये थोड़े थोड़े पेजेस दिखेंगे और ये पूरा इतना दिखेगा। नाउ नेक्स्ट, ये बस है, बस को हम फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, साइड से इस तरह से दिखती है और टॉप से इस तरह से दिखती है। नाउ कार है, कार को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो सिर्फ उसका आगे का मिरर और आगे के दो व्हील्स देखेंगे, है ना, और फिर साइड व्यू से ऐसे और टॉप व्यू से ऐसे दिखेगी। तो आप लोगों को आइडिया लगाना है कि कौन सी चीज़ साइड से, फ्रंट से, टॉप से कैसी दिखती है। यहाँ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से दिखती है, साइड से इस तरह से, और टॉप से अगर हम देखेंगे तो उसका व्यू कुछ इस तरह का होगा। नाउ ये बेड साइड टेबल है, तो वो फ्रंट से इस तरह से दिखता है और साइड से सिर्फ उसका इतना प्लेन भाग और ये ऊपर का टॉप थोड़ा सा दिखाई देता है, और टॉप व्यू से सिर्फ स्क्वायर टाइप दिखता है। नाउ फ्रंट व्यू से चेयर ऐसी दिखती है, साइड व्यू से इस तरह से दिखाई देती है और टॉप व्यू से इस तरह से दिखती है। अब यहाँ पर देखो बेड दिया है, बेड को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा और टॉप व्यू से सिर्फ उसका जो ऊपर का सर्कल है वो और थोड़ा सा नीचे का पोर्शन दिखता है। नाउ कप जो है वो फ्रंट व्यू से और साइड व्यू से सेम ही दिखेगा और टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द शेप्स एज शोन बिलो। यहाँ पर आप लोगों को जो शेप्स दिए हैं, देखो इसको डॉट्स है ना, वो डॉट्स को जॉइंट करके दिए हुए हैं, तो इसी तरह से हम डॉट्स की मदद से कुछ नए शेप्स ड्रॉ करेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो कुछ यहाँ पर जो इस तरह से डॉट को सर्कल करके भी दिया है कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम कुछ नए शेप्स ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये जो टेंपल होती है ना उसका गेट इस तरह का होता है, बराबर है। देन फ्लावर को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है? ये देखो ये मैंने डॉट्स जॉइन करके बनाया हुआ है, और हम बोट भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दिख रहा है ना? ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर रंगोली की डिज़ाइन है, ड्रॉ द रंगोली एज शोन बिलो यूजिंग द डॉट्स ऑफ द डॉट रिजिड। डॉट्स की मदद से आप लोगों को रंगोली की डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पर दिखाई हुई है आप लोगों को वर्कबुक में। ये देखो यहाँ पर डॉट्स को छोड़ के उसको राउंड सर्कल में बनाया हुआ है ना रंगोली, कि डॉट्स की मदद तो है पर डॉट को ज़रूरी नहीं है कि हम डॉट को जॉइंट करें, हम उसको सर्कल के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो देखो टीचर ने कुछ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो मैंने रंगोली की डिज़ाइन ड्रॉ की हुई है, ऐसी भी आ सकती है या इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और देखते हैं
कंप्लीट द शेप्स टू मेक स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स। यहाँ पर आपको सिर्फ ये दो लाइन ड्रॉ की दी है, आप लोगों को स्क्वेयर या रेक्टेंगल है वो कंप्लीट करना है। जैसे देखो ये एक लाइन बड़ी है एक छोटी है, तो ये रेक्टेंगल का शेप बनेगा, तो बिल्कुल इसके सामने हमको सेम सेम लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर देखो ये सिर्फ दो लाइन इस तरह से दी है, पर ये स्क्वेयर का शेप दिख रहा है, तो हम उसको स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर भी ये स्क्वेयर का शेप है, तो इसका स्क्वेयर कंप्लीट करेंगे। ये रेक्टेंगल का शेप है, ये रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी स्क्वेयर बनेगा और यहाँ भी स्क्वेयर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ एज शोन बिलो। अब ये जो डिज़ाइन है ये आप लोगों को यहाँ दिखाई हुई है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। ये देखो बिल्कुल सेम इस तरह से लाइन, यहाँ पर आप लोगों को डॉट्स देख लेने हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो 4 डॉट्स की एक लाइन यहाँ पर, और फिर ये बीच में एक डॉट छोड़ के वापस से एक डॉट से 4 डॉट्स लेने हैं बराबर। इस तरह से आपको मेजरमेंट देखना है और फिर बीच में क्रॉस क्रॉस लाइंस आप लोगों को करनी है। यहाँ पर भी इस तरह की रंगोली की डिज़ाइन टाइप बनाई हुई है जो मैंने यहाँ आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा ध्यान से देखना, मैं इसकी वर्कशीट आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। फिर भी यहाँ भी ध्यान से देखो कि टीचर ने कौन से डॉट को किस तरह से ज्वाइंट किया हुआ है। आगे देखते हैं, ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द डॉट्स ऑफ द डॉट रिजिड गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ हम लोगों को शेप्स दिए हुए हैं, जैसे बोट है, काइट है, स्टार, पॉट, फ्लावर, लीफ, हाउस एंड माउंटेन, तो वो हम लोगों को यहाँ जो डॉटेड ब्लैंक स्पेस दी है उसमें करना है। देखो टीचर ने बोट ड्रॉ की हुई है, दिख रहा है आप लोगों को, बोट तो बहुत ही सिंपल है। देन यहाँ पर हम लोगों को स्टार ड्रॉ करना है, स्टार तो सिर्फ दो ट्रायंगल करेंगे तो वो हो जाएगा। काइट भी बहुत ही सिंपल है ना। फिर ये देखो पॉट भी एकदम इजी है। ये फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये दो डॉट है, इसके बाद जो ऊपर तीसरा डॉट है ना उसको हम इस तरह से ट्रायंगल टाइप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्लावर ड्रॉ करना है, और फिर ये टीचर ने लीफ ड्रॉ की हुई है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो आगे देखो, यहाँ पर देखो हाउस ड्रॉ किया हुआ है और ये है माउंटेन, ओके। समझ में आ गया बेटा किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है? देखो ये डॉटेड लाइन को हम लोगों को सिर्फ ज्वाइन करना है, बराबर है, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी वर्कशीट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी जो आप लोगों को अपनी वर्कबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, थैंक यू।